अभी जब हम लोग आ रहे थे, हमने देखा पूरे गंगानगर में, और केवल गंगानगर नहीं, खासकर ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम के चारों तरफ गहलोत साहब ने अपने होर्डिंग और अपने बैनर लगा रखे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, गहलोत साहब 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती आपको। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जब से गहलोत के फ्री वाले पोस्टर को नीच हरकत बताया है, तब से कांग्रेसी केजरीवाल पर भड़के हुए हैं। केजरीवाल पर पलटवार करते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केजरीवाल को झूठ का जनरेटर बता डाला। अरविंद केजरीवाल झूठ के जनरेटर हैं। उन्होंने चुनाव से पहले लोकपाल के मुद्दे पर अन्ना हजारे को लेकर आए, उस संत आदमी को, उल्टा काम किया। कहाँ गया लोकपाल, कहाँ गए मुद्दे? 2 कमरे के मकान में रहूँगा, 50 करोड़ रुपये में महल बना लिया। इस देश में ये मेरा सरकारी बंगला है, मेरे परिवार का दुड़ना है, इसमें 1 रुपया नहीं लगाया। और आज़ादी से पहले से बना हुआ है, मुख्यमंत्री का यहाँ निवास है, अशोक गहलोत जी का गवर्नर हाउस है, 50 करोड़ रुपए खर्च करके महल में रहते हैं। केजरीवाल जी यहाँ डायलॉग मारते हैं कि मैं दवाई फ्री कर दूंगा। क्या फ्री कर दोगे? राजस्थान की सरकार का मॉडल पूरी दुनिया में नंबर 1 है, फ्री दवा फ्री इलाज में, राइट टू हेल्थ लागू करने वाले पहले स्टेट है, पता नहीं चलेगा केजरीवाल जी की पार्टी का। तभी उन्होंने कल एक ऐसी भाषा भी बोली है, क्या है कि आपके इस तरह की भाषा उन्होंने यूज किया सीएम के लिए? वो भाषा इसी का परिणाम है कि वो जो छोटी हरकत करते हैं, वो जिस तरह से चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के लिए जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वो गलत है। इस तरह की भाषा राजनीति में नहीं होनी चाहिए। इस भाषा के कारण जो केजरीवाल का क्रेज था वो देश में ख़त्म हो गया, विश्वास ख़त्म हो गया, लोग उन पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो झूठ बोलकर सत्ता में आए, मुद्दों से पीछे हट गए। राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पब्लिक वेलफेयर में, डेवलपमेंट में हम नंबर 1 पर हैं। तो हमारा मुकाबला वो क्या करेंगे, वो डायलॉगबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो वहीं राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में एक नाला बनने पर भी केजरीवाल उस पर अपना पोस्टर लगाकर अपना प्रचार करने से नहीं चूकते। तो शीला दीक्षित जी की सरकार के मुकाबले 4200% एडवर्टाइजमेंट पर बजट जो है उनका बड़ा, और यहाँ तक कि अगर एक नाला भी निर्माण होता है तो नाले के निर्माण पे भी केजरीवाल जी का फोटो लगा हुआ चित्रित वो प्रचार प्रसार करवाते हैं। इसे आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या सोच है। इधर सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने भी केजरीवाल पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा अपनी योजना, फैसले और कामकाज की जानकारी देना नीच हरकत मानते हैं आप। पूरी दिल्ली को आपने होर्डिंग बैनरों से पाट रखा है, वो भी नीच हरकत ही है ना। मुख्यमंत्री होते हुए दूसरे मुख्यमंत्री के लिए इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल शोभा नहीं देता। ये बेहद निंदनीय और स्तरहीन राजनीति का परिचायक है। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सभा स्थल के आसपास राजस्थान सरकार के 100 यूनिट फ्री बिजली, चिरंजीवी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसे अन्य बैनर पोस्टर बड़ी संख्या में लगे हुए थे, जिसमें सीएम गहलोत अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे थे। इसे देखकर ही केजरीवाल ने गहलोत सरकार के पोस्टर लगाने की बात को नीच हरकत बता डाला। अब केजरीवाल के इस बयान के बाद से तो मानो पूरी कांग्रेस उन पर हावी हो गई है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।